माइक के रखो, माइक के रखो। एक रिक्वेस्ट है, पंजाबी और हिंदी दोनों में कर, माइक नहीं करा सब, पंजाबी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर देना। और नीचे रख दो यार, यार अपनी बारी चलो, माइक नीचे हो गया, थोड़ी देर अपनी बारी घटनाक्रम सुबह 6:30 बजे सरदार सुखपाल सिंह खहरा साहब MLA साहब नाल होया, उरे बारे विस्तार पूर्वक असी गवर्नर साहब नूं मिलके उस घटनाक्रम बारे जाणू करा के आए कि किदां किदां ए घटनाक्रम नूं अंजाम दिता गया, किस प्रकार झूठा मुकदमा यानी कि जंगल राज बन गया पंजाब, किस तरह वेंडेटा पॉलिटिक्स 8 साल पुराना मुकदमे सुखपाल सिंह खहरा नूं इन्वॉल्व करके और बिना किसी गलबात बिना किसी तथा ते जेड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल सिंह खहरा के खिलाफ जेड़ा क्वैश किया सीगा उरे खिलाफ सिट बना के उन्हां नूं इन्वॉल्व कर लिया गया। और मैं पहली बारी वेख्या सिट तो बनदियां मैं सुनिया सी, लेकिन पहली बारी मैं देखा कि जिहड़ी सिट ने बिना तलब कीत्या सुखपाल सिंह खहरा नूं, बिना कोई समन दित्या, बिना पुछताछ कीत्या, सीधा मुकदमा दर्ज करके ते केवल फड़न वास्ते आए। और नाल ही नाल चंडीगढ़ जिस प्रकार उन्हां दे घर गए सुबह, ऐदा लगदा सी कि बहुत वड्डे क्रिमिनल नूं पुलिस फड़न गई होवेगी, सो घरे गए बिना दसे और बिना इतला दित्या, कोई वारंट नहीं सीगा क्योंकि उन्होंने वार बार आपके लाइन ते कहा कि भाई कोई थोड़े को वारंट है तो मैनू दसो कोई अरेस्ट वारंट, ना ही कोई चंडीगढ़ की पुलिस का एक भी व्यक्ति उथे मौजूद सीगा। सो ये मैं समझना कि जिवें मुगल राज दे समय हरेक व्यक्ति की आवाज दबाउन का काम हुंदा सी, अज की सरकार उस तरह का काम पंजाब के अंदर कर रही है। और जिस प्रकार रोजाना कदे फलाने नूं फड़ लिया, कदे फलाने नूं फड़ लिया, सो जान बुझ के एक डर भय की राजनीति हो रही है पंजाब के अंदर। सो मैं समझदा कि यह बहुत मतभागी घटना है और असी इस गल नूं चुप करके नहीं बैठांगे, अंतिम समय तक और अखीर तक यह लड़ाई लड़ांगे। कांग्रेस पार्टी के किसी भी वर्कर नूं अगर इस तरह जो हालात बनाए गए, और मैं पुलिस भरावां नूं कहना चाहना खास करके DJP साहब कि तुसीं देखण च बड़े नफीस ते शरीफ लगते हो पर असीं भी तुहानूं चंगा इंसान समझदे सी, पर जिस प्रकार का काम हो गया मैनूं लगता कि पुलिस नूं इह कहना चाहीदा है कि यह काम नहीं हो सकता, सरासर गलत है। और अज जो पूरे देश दे विच ना केवल प्रदेश पूरी दुनिया दे विच ईवन बाहर वास्ते जिहड़े NRI भरा है पंजाबी है आम लोग है तुसी सोशल मीडिया ते देखिया होना है जो निंदा इस घटनाक्रम की हुई है ये सारी मैं समझदा कि दुनिया जानती है, लोग जानते ने कि यह सच की है, इहदे विच क्यों ये किया गया हर चीज तो लोग वाकफ ने, चाहे मैं कुछ सी गवर्नर साहब नूं मिलके सारी घटनाक्रम बारे जाणू कराया। और सानू उम्मीद है कि गवर्नर साहब इहदे ते कोई ना कोई कॉग्निजेंस जरूर लैणगे। सो हुण मैं भाजपा साहब नूं कहूंगा कि वह भी तुहानूं इस घटनाक्रम बारे जाणू कराउण। मेहरबानी प्रधान जी, देखो सारे नूं पहले मैं समझना शहीद आजम भगत सिंह अज जन्म का दिन, अज ये जमात जिहड़ी है फोटो इन्हां ने अपने हर दफ्तर दे विच डॉक्टर अंबेडकर साहब की शहीद आजम भगत सिंह, बट काम इन्हों का कंप्लीटली शहीद आजम भगत सिंह जी की सोच के आइडियोलॉजी के खिलाफ।
जो अज सुखपाल सिंह खहरा ने किया ये सेम तौर तरीका गोरिया की हकूमत किसी टाइम साढ़े देश के परवानिया ना करती। 6 बजे सा सुखपाल सिंह खहरा होना दे बेटे मेरे नाल ने सा मेहताब सिंह एडवोकेट उन्हें मैनू खुद दसिया जे चशमदीद गवाह ने कि 6:15 बजे विदाउट इनफॉर्मिंग बारले गेट का ताला भनिया गया, फिर किचन का दरवाजा भनिया गया, फिर धक्के दे नाल बेडरूम दे विच एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जे वेख्या जाए तो प्रोटोकॉल दे विच MLA चीफ सैकटरी तो उत्तों का प्रोटोकॉल रख किते भगौड़े नहीं ने किते भजे नहीं ने तुसी उन्हां दे बेडरूम च चले जाओ वो फिर तुहाडे को मंग कर के कोर्ट दे जे अरेस्ट वारंट है ते विखाओ, कचहरी का कोई अरेस्ट वारंट नहीं। एक विशेष गल असी गवर्नर साहब नूं इह वी गल कही है कि गवर्नर साहब पंजाब दे विच सॉरी चंडीगढ़ दे विच यूनियन टेरिटरी दे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तुसी, सानू कृपा करके ये दसिया जाए DGP को पुछ के कि पंजाब पुलिस जदों सा सुखपाल सिंह खहरा दे घर आई है कि उन्होंने पंजाब जिहड़ी UT की पुलिस है DGP ते UT की SSP की उन्होंने बतला दिती, क्योंकि कानून यह है कि जदों भी किसी के घर जाना लोकल पुलिस स्टेशन की पुलिस नूं पहले अरेस्ट वारंट विखाने पैंदे ने, फिर लोकल पुलिस तुहानूं कंपनी करदी फिर ही तुसीं अरेस्ट कर तो इहदे खिलाफ किडनैपिंग दा पुलिस मंग की है कि जे उन्हें इतलाह नहीं दिती जी सानू भी पता इतलाह नहीं दिती होगी, क्योंकि बकायदा तौर सा सुखपाल सिंह खहरा अरेस्ट वारंट की गल करते रहे पुछते रहे कि तुहानू पंजाब पुलिस सॉरी UT पुलिस एक कंपनी कर रही है, बिल्कुल ही वो नहीं सी कर रहे। सो असी इनू कंडेम करने हैं, असी अपने साथी दे नाल मैं तुहानू एक बड़ी इंटरेस्टिंग 5 साल पहले दी जिहदे विच यही जदों स्टेट प्रधान सी भगवंत मान इस केस दे विच ए सफाई दे रहा इत्थे कोई माइक है सेंड कर दांगे इहदे विच बकायदा तौर आप दा जदों इह प्रधान सी भगवंत मान इहने गल कही कि पोलिटिकल वेंडेटा नाल सुखपाल सिंह खहरा ते इह केस रजिस्टर कीता गया, उन्हें यह भी गल कही कि मैं सारी FIR पढ़ी इहदे विच किते भी सा सुखपाल सिंह खहरा दा नां है नहीं, यह भी गल कही कि आंदे टाइम दे विच बकायदा तौर सुखपाल सिंह खहरे नूं क्लीन चिट कचहरियां चो मिलेगी, उही चीफ मिनिस्टर 8 साल बाद उस फर्जी केस सुखपाल सिंह खहरे नूं अज अरेस्ट कर। तो इस किस्म की कि राजनीति जी बदलाव की है कहते अस बदलाव की राजनीति की है, भगवंत मान यह समझदा कि कांग्रेस के लीडर की अरेस्ट के नाल कांग्रेस की आवाज दवाई जा सकती, बिल्कुल नहीं। हर इमोरल एक्ट जी गवर्नमेंट करेगी जेड़ा भी एहोजा कोई कमीशन और अमीशन का काम यह सरकार करेगी असी तगड़े होके आवाज बुलंद करेंगे। कल भी एक बहुत वड्डा धरना ड्रग्स के अगेंस्ट असी फिर बठिंडे दे रहे हैं, असी अपने साथी की पैरवाई भी पूरी डट के करांगे जितों तक भी सानू जाना पे, समुची कांग्रेस एक एक वर्कर तो लैके टॉप लीडरशिप तक नाल है। मैं भगवंत मान नूं इन्नी गल कहना चाहना कि वड्डे तो वड्डे राजे भी जेड़े ने उन्हां दी भी बादशाहत किसे दिन मुक्की, गलतफहमी का शिकार ना रही, तेरा भी यह राज मुकना। जदों भी इस किस्म दियां तुसी वारदातां करोगे इस किस्म का जेड़ा काम करोगे उहदे रिजल्ट कोई चंगे नहीं। जिहड़ी गल साडे प्रधान जी ने गल कीती उह मैं दोहराना चाहना, उन्हां पुलिस ऑफिसर्स नूं मैं कहना चाहना परमात्मा का डर रख, नजायज काम ना करो, ये काम तुहाडे सामने आ बहुत सारिआं दे सामने आ चुके ने, इन्हां लोकां नूं भी जिहड़े नजायज करदे ने इन्हां नूं ये भुगतने पैणगे। सो ज्यादा ना कहिंदा होइआ मैं अपने सारे साथियों वालों प्रेस दा असी थैंक्स करना चाहते हैं, इस लड़ाई दे विच असी स्पेशली तुहाडा ये सारिआं दा साथ चाहते हैं। जो ये साडे नाल होया चंद दिन पहले वह लॉयर्स दा होया मुक्तसर वाले, उस तो चंद दिन पहले दो भरा जिहड़े ने जलंधर दे
उन्होंने मजबूर कर दिता गया कि वह खुदकशी कर जाए। सो ये लड़ाई कली साढ़े तक ही नहीं, ये जी अग है हूं ये सारिया के पैरों तक पहुंचनी, ये प्रेस के भी कोल पहुंचनी है, वकीलों को भी पहुंच चुकी है, हर घर च पहुंचनी है। इनू तगड़े होके असी सारे आजादाना मदद करके इस अग नू रोकना पेगा। नहीं लगे क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की आम आदमी पार्टी, ये साड़ी क्रेडिबिलिटी की खराब करके जिन्हों की है ही नहीं, इन्हों की क्रेडिबिलिटी की भगवंत मान इज एट इज लोएस्ट स्टेप टुडे। आप बार बार इंडिया लाइन्स की बात करते हैं, मैंने आपको बहुत बार ये तय कर दिया और बता दिया है, आज भी सुन लीजिए, बार बार मत पूछिए एक ही बार, क्योंकि हमारा जो आज का इशू है वो डिल्यूट होता है। मैंने कह दिया कि बाजवा साहब ने और हमने अपनी बात हाईकमान को रख दी है और हाईकमान खरगे साहब ने ये कहा है कि आपके बिना पूछे और आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बार बार, क्योंकि इश्यू है सुखपाल सिंह खैरा को नजायज पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा गया है हम उन मुद्दों की बात करना चाहते हैं। आज पूरी कांग्रेस सुखपाल सिंह खैरा के साथ है और हम पूरे साथी अंतिम समय तक लड़ेंगे। हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हमें जेल में डाला जा सकता है, हम अंदर जा सकते हैं, जेल की रोटी खा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को खत्म किया नहीं जा सकता। और जब तक ये कांग्रेस के लोगों के अंदर साहस है तब तक हम अंतिम समय तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बादल साहब क्या जा रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट बकायदा तौर, क्योंकि सर सुखपाल सिंह खैरा हर रोज इन्हां दी पतड़ा उधेड़ते रहिंदे ने, ताजी उधेड़ी होनी है, ताजा ही जख्म मेरा ख्याल दिता होना, जेड़ा इको दम बिना सोचे समझे यह काम कर देता। इन्हां दी माइंड सैट वेखो, मैं तुहानू दसा, पहले चार महाराजे हुंदे सी पंजाब च, पंजवां आ गया महाराजा सतौ, ये भी रात सुत्तियां नूं जदों लगदा है कि यह बंदा जेड़ा मेरे खिलाफ बोलन की ताकत रखदा है, यह सवेरों सवेर ही हुक्म जारी कर दिंदा, आर टोटली अनवॉरंटेड विदाउट एनी थॉट विदाउट एनी प्रोवोकेशन ये सारा काम किया है। ये जुडिशियल नजर च ही समझना, दो चार पांच दिन तो बाद ये काम चलना नहीं, तो इन्ना ही कहता होया सी। सर 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 एक सवाल पूछना चाहेंगे, ये जो अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपका श्रीमती अकाली दल या बीजेपी से आ रहा है उसको कैसे देखते हैं? बहुत देखिए, हम वेलकम करते हैं, जितनी पार्टीज डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है वो कोई भी, इस टाइम एवरीबडी हैज स्टार्टेड फीलिंग दैट दिस इज अ पुलिस स्टेट, पंजाब हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ जंगल एंड अ पुलिस स्टेट, इट इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ये आज ऐसा नजर आना शुरू हो गया कि ना ये डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, आज पुलिस स्टेट बन गई, आज जंगल का राज है इधर, जिसको मर्जी पकड़ लें बिना कैदे कानून के गिरफ्तार कर लें। तो जो भी इसमें हमारी सपोर्ट कर रहा है हम उसको वेलकम। थैंक यू।